पति ने पत्नी को पढ़ा लिखा कर बनाया एसडीएम, फिर पत्नी ने दिया धोखा, दे रही तलाक, पति ने उठाई अपनी आवाज। आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म सूर्यवंशम तो देखी होगी, जहां इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने अपनी पत्नी को कलेक्टर बनाते हैं, पर उस फिल्म में अमिताभ बच्चन को धोखा तो नहीं मिला, पर यहां एक ऐसा मामला हो गया है जहां पत्नी को पढ़ा लिखा कर काबिल बना तो दिया पर पत्नी ने धोखा दे दिया। एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पत्नी को पढ़ा लिखा कर काबिल बना तो दिया पर पत्नी ने धोखा दे दिया। एक ऐसा मामला सामने आया है जब एक पति संघर्ष करके अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया, पर जिस दिन के बारे में कभी नहीं सोचा था वो दिन आ गया जब पत्नी पढ़ लिख कर काबिल हो गई और एसडीएम के पद पर तैनात हो गई, तो अंत में पति के साथ ऐसा कर दिया कि जैसे कोई दुश्मन हो। 13 साल दोनों की शादी को हो गए, अब पत्नी तलाक देने की बात कह रही है। पति बोला अब मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। पत्नी को वापस पाने के लिए दर दर भटक रहा पीड़ित पति ऑन मीडिया में लगाई गुहार। पीड़ित का आरोप है कि उसे जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। पीड़ित पति ने भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले आलोक कुमार मौर्य ने बताया कि हमारी शादी को 13 साल से अधिक होने को है। जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक है, मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। वहीं आलोक कुमार मौर्य ने पत्नी का दाखिला अच्छे से इंस्टीट्यूट प्रयागराज में कराया और अपने जीवन भर की कमाई पत्नी के सपने पूरे करने में लगा दी। तब तक इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। साल 2015 में आलोक कुमार मौर्य की पत्नी यानी ज्योति मौर्य का चयन हो जाता है, जिसमें पत्नी ने 16वीं रैंक से पास हो जाती है। चारों तरफ खुशी और बधाई छा जाती है, हर कोई इनकी मिसालें देने लगता है। आलोक कुमार भी बहुत खुश थे। साल 2015 में ही आलोक कुमार के 2 जुड़वा बेटे होते हैं। साल 2020 तक इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, पर 2020 के बाद इनकी जिंदगी में तूफान सा आ जाता है, जहां ज्योति मौर्य फेसबुक के माध्यम से गाजियाबाद के जिला कमांडर होमगार्ड संपर्क हो जाता है। दोनों के बीच काफी बातें होने लगती हैं, दोनों धीरे धीरे नजदीक हो जाते हैं। आलोक कुमार बताते हैं कि इसका खुलासा तब हुआ जब ज्योति मौर्य ने घर के मोबाइल फोन से फेसबुक को लॉगिन किया और लॉग आउट करना भूल गई। फिर उसी दिन पति आलोक कुमार वर्मा ने फेसबुक की सारी चैट हिस्ट्री पढ़ ली, तब पैरों तले जमीन खिसक गई और पति आलोक कुमार देखकर दंग रह गए। जब उन्होंने चर्चा की तो विवाद होने लगा। पत्नी ने बोला मुझे तलाक चाहिए। 13 साल से शादी क्यों हो गए हमारे, सर मैं कहाँ जाऊँ। एक मनीष दुबे से कमांडेंट है, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास में पकड़ लिया था। मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पता करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध, उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई कई भैया, हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए, हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जान की प्यासी हो रही है, क्या पूरा मामला सर? इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर हमारी पत्नी सर एसडीएम थी उस समय, इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं, तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो, तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया सर। इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास इलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं। कौन है, पूरी कहानी बताइए, क्या मामला सर? 2010 में ज्योति मौर्य के साथ मेरी शादी हुई सर। मैं सर पंचायत राज विभाग में सर 2009 में सिलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर, वहीं पर नौकरी कर रहा हूँ सर। और 2010 में इनसे 19 नवंबर को मेरी शादी हुई और सर उसके बाद हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इन्होंने कहा मुझे पढ़ना है सर, मैं इनको पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद लेके आया और इलाहाबाद में सर द काउंसिल कोचिंग है, वहाँ पे इलाहाबाद की सबसे अच्छी कोचिंग थी। मैंने वहाँ पे किसी तरह सर पिताजी के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से और यहाँ तक कि मैंने अपने DPRO साहब के सहयोग से पैसा उधार लेके इनको कोचिंग कराया और सर ये मेहनत भी की सर और सक्सेस भी हुई। 2015 में ये सर SDM पद पे चयन हुई, 16वीं रैंक इनकी आई सर। बहुत ही खुशी का माहौल हुआ कि हम एक छोटे पद पे रहते हुए अपने पत्नी को इतना आगे ले गए, वो भी बहुत खुश थी, पूरा परिवार खुश था। और सर 2015 में ही मेरी सर भगवान की दया से मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरी 2 जुड़वा बिटिया भी हुई और जिनका नाम हंसी खुशी मैंने रखा, क्योंकि उस समय खुशी का माहौल चल रहा था सर। और सर बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होमगार्ड है उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में और सर घर इतनी तबाही पे
पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर, यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी एक हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने उस पे कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए। तो कहीं मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। हत्या की धमकी दी है? जी सर, हत्या की। और सर उनका भाई सर सचिन मौर्य है सर, वो मेरे घर से सर रखे मेरे काफ़ी जो कुछ पैसे थे, जेवरात थे, वो सर लेके चला गया। मेरे सर उसकी वीडियो बना के भेजा कि मैं लेके जा रहा हूँ, जो करना हो कर लीजिए। और सर मुझे चैटिंग लिख के भेजा है कि आपका व्हाट्सअप सब कुछ गायब कर दूंगा, हक हैक कर लिया हूँ, जो सेव करना हो सेव कर लीजिए। और सर उसने क्या किया कि मेरी सिम भी अपने पास रख लिया है, रख के यूज कर रहा है, मेरा बैंक अकाउंट है उसमें जुड़ा हुआ है सब कुछ, लेकिन सर वो मेरी जान पर सब लोग तुले हुए हैं सर।